छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमला और भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया था, इस पर राजनीति गरमाई हुई है। भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज और 150 से ज्यादा कांग्रेसियों पर एफआईआर के विरोध में भी कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किया था। विधायक देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के युवाओं को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने 24 अगस्त को दुर्ग में एक दिन का धरना प्रदर्शन आयोजित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में सिरसा गेट के पास बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के लोग विशेष संप्रदाय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारी का आरोप है कि पूर्व सीएम के काफिलों को सिरसा गेट पर प्रदर्शनकारियों ने रुकवा लिया था। जब वो गाड़ी से उतर प्रदर्शनकारियों से बात करने गए तो अभद्र नारे लगाने लगे। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो वो धक्का मुक्की करने लगे। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व सीएम को सुरक्षित तरीके से उनकी गाड़ी में बिठाया और वहां से वो दुर्ग के लिए रवाना हो गए। दो दिन पहले इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, धरना स्थल से सभी को खदेड़ दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई थी। तो वहीं इस मामले पर अब बयानबाजी का दौर भी प्रारंभ हो गया है। उसके बाद भी ये इनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। कल बहुत शांतिपूर्वक अपील की गई कि हमें चक्का जाम नहीं करना है और हमको थाना तक के पहुंचना है और ज्ञापन सौंपना है, थाना घेराव करना है। रास्ते में जा रहे थे, इतने में जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है राजेश्वर सोनकर, उसे वो ना उसके हाथ में डंडा था ना प्रतिरोध कर रहा था और सीधा उसे पूछा गया कुम्हारी से हो, और उसके बाद बेतहाशा उसको पीटना शुरू किया। अन्य साथियों के एक तो वीडियो आपने देखा कि एक हमारे युवा कांग्रेस साथी था और 5-7 पुलिस वाले घेर के उसकी पिटाई कर रहे थे और उसी में BSF के जो जवान हैं उसके लाठी लहराया और जामुल थानेदार के नाक में भी लगा। यदि वो वीडियो नहीं होता तो उसी वो बयान भी दिए थे, हमारे भी अधिकारियों को पुलिस जवानों को चोटें पहुँची हैं। ये चोट उनके लाठियों से हुई है, इसका वीडियो हमारे पास है। अब बिना दंडाधिकारी के आदेश के लाठी चार्ज किया गया है, जबकि लाठी चार्ज करने से पहले दंडाधिकारी का आदेश जरूरी है, जबकि इसके पहले वहाँ के CSP के द्वारा कहा गया कि लाठी तैयार रखो और उसके बाद भयानक पिटाई सब साथियों के, किसी के हाथ में मोच आया, किसी पीठ में आया, किसी पैर में आया, किसी उंगली में आया, महिलाओं तक के नहीं छोड़ा गया, पत्रकार को नहीं छोड़ा गया, सबको बर्बरतापूर्वक पीटा है। तो ये नियमों का पालन भी अधिकारी नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर लाठी चार्ज किया गया है जो बेहद अमानवीय है, और यदि लॉ आर्डर की स्थिति अब बनती है तो दंडाधिकारी का आदेश होना जरूरी होता है। बता दें इनके पास कौन से दंडाधिकारी को उस समय आदेश था, बिना उसके आदेश के इन्होंने सीधा लाठी चार्ज कर दिया और दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, जबकि ऐसी स्थिति बनी नहीं थी, लॉ एंड आर्डर की स्थिति थी नहीं और उन्होंने कार्रवाई कर दी। तो ये और उसके उसे तुर्रा ये कि अब ये आंदोलन जो आवेदन करता है उनके खिलाफ भी 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, मतलब ये गुंडा राज, कोई कानून का राज नहीं है, नियम के कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति बना के रखे हैं तो इसका हम विरोध करते हैं, नियम से चले। सरकार किस बात से डरेगी, डरने का कोई सवाल नहीं है, और पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही, कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है।